शांति। 18 जनवरी 2019। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, परफेक्ट बनना है तो ईमानदारी और सच्चाई से देखो कि मेरे में क्या क्या खामी है। बाप से राय लेते, उन खामियों को निकालते जाओ। ओम शांति। अभी तुम आत्माओं का प्यार व मोहब्बत एक बाप से है, जिस आत्मा के लिए कहते हैं कि इनको आग जला नहीं सकती, पानी डुबो नहीं सकता। ऐसी आत्मा का अब योग लगा है बाप से। उसको क्षमा भी कहते हैं, जिस पर परवाने जाकर जल मरते हैं। कोई तो फेरी पहन नाच करते हैं, कोई तो जलकर बलि छड़ जाते हैं। बलि तो क्षमा पर सारी सृष्टि को छड़ना है। उस बाप क्षमा के साथ तुम बच्चे भी मददगार हो। जहां जहां सेंटर्स है, सभी आकर तुम बच्चों द्वारा क्षमा पर कुर्बान जाते हैं। बाप कहते हैं, जो मुझ पर कुर्बान होते हैं, मैं फिर उन पर 21 बार कुर्बान होता हूं। अब यह तो बच्चे जान गए हैं कि झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। दीप माला पर देखा है छोटे छोटे परवाने कैसे फिदा होते हैं। जितना जितना तुम बच्चे योग लगाएंगे, शक्ति धारण करेंगे, उतना तुम भी क्षमा के समान बन जाएंगे। अभी तो सभी की ज्योति बुझी हुई है, कोई में भी ताकत नहीं रही है। आत्माएं सभी झूठी हो गई हैं। आजकल नकली सोना भी ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे रियल है, लेकिन उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं। ऐसे आत्माएं भी झूठी बन गई हैं। सच्चे सोने में ही खाद डालते हैं, तो आत्मा में खाद पड़ गई है। इस कारण भारत और सारी दुनिया बहुत दुखी है। अब तुमको योग अग्नि से खाद को भस्म कर पवित्र बनना है। हर एक बच्चे को अपने से पूछना है, बाप से हमें सब कुछ मिला है, किसी चीज की मेरे में कमी तो नहीं है। अपने अंदर देखना होता है, जैसे नारद से पूछा ना कि लक्ष्मी को वरने के लायक अपने को समझते हो। बाप भी पूछते हैं, लक्ष्मी को वरने लायक बने हो, क्या क्या खामी है जिसको निकालने लिए बहुत पुरुषार्थ करना है। कई तो जरा भी पुरुषार्थ नहीं करते, कोई कोई अच्छी तरह पुरुषार्थ करते हैं। नए नए बच्चों को समझाया जाता है, बताओ तुम्हारे में कोई खामी तो नहीं है, क्योंकि तुम्हें अब परफेक्ट बनना है। बाप आते ही है परफेक्ट बनाने। तो अपने अंदर जांच करो कि हम इन लक्ष्मी नारायण जैसे परफेक्ट बने हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। अगर कोई खामियां हैं तो बाप को बताना चाहिए, यह खामियां हमारे से निकलती नहीं है, बाबा हमें इसका कोई उपाय बताओ। बीमारी सर्जन द्वारा ही निकल सकती है, तो ईमानदारी से सच्चाई से देखो मेरे में क्या खामी है, जिससे समझते ही यह पद
हम नहीं पा सकेंगे। बाप तो कहेंगे, हाँ तुम इन जैसा हूबहू बन सकते हो। खामियां बताएंगे तब तो बाप राय देंगे। खामियां बहुतों में हैं, कोई में क्रोध है या लोभ है या फालतू चिंतन है, तो उसको ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती। वो फिर किसको धारणा करा भी नहीं सकते। बाप रोज रोज समझाते ही, वास्तव में इतना समझाने की दरकार नहीं है। यह तो धारण करने की बात है। मंत्र है बहुत अच्छा, जिसका अर्थ बाप समझाते रहते हैं, इतने दिनों से समझाते रहते हैं। बात एक ही है, बेहद के बाप से हमको ऐसा बनना है। पांच विकारों को जीतने की बात अभी की ही है। जो भूत दुख देते हैं उन्हें निकालने की युक्ति बाप बताएंगे, परंतु पहले वर्णन किया जाता है कि यह भूत हमें ऐसे ऐसे तंग करते हैं। तुम जानते हो तुम्हारे में कोई वह भूत नहीं है, यह विकार ही जन्म जन्मांतर के भूत हैं जिन्होंने दुखी किया है। तो बाप के पास अंत खोलना चाहिए, मेरे में यह भूत है, उनको कैसे निकाले। काम रूपी भूत के लिए तो रोज समझाया जाता है, आंखें बहुत धोखा देती हैं, इसलिए आत्मा को देखने की प्रैक्टिस अच्छी रीति डालनी चाहिए। मैं आत्मा हूँ, यह भी आत्मा है, भल शरीर है परंतु बीमारी से छूटने के लिए समझाते हैं, तुम आत्माएं तो भाई भाई हो ना, तो इस शरीर को नहीं देखना है। हम आत्माएं सब वापस घर जाने वाले हैं। बाप आए हैं ले जाने के लिए, बाकी यह देखना है हम सर्वगुण संपन्न बने हैं। कौन सा गुण कम है? आत्मा को देख बताया जाता है इस आत्मा में यह खामी है, तो फिर बैठकर करंट दे कि इनसे यह बीमारी निकल जाए। छिपाना नहीं चाहिए, अवगुण बताते रहेंगे तो बाप समझानी देंगे। बाप से बातें करनी चाहिए, बाबा आप ऐसे हो, बाबा आप कितने मीठे हो, तो बाप की याद से बाबा की महिमा करने से यह भूत भागते जाएंगे और तुमको खुशी भी रहेगी। किसम किसम के भूत हैं, बाप सम्मुख बैठे हैं तो सब कुछ बताओ। बाबा मैं समझता हूँ इस हालत में हमको घाटा पड़ जाएगा, मैं फील करता हूँ बाप को तरस पड़ता है। माया के भूतों को भगाने वाला एक भगवान बाप ही है। उस भूत को निकालने के लिए कितनों के दर पर जाते हैं, यह तो एक ही है। भल बच्चों को भी सिखाया जाता है कि पांच विकारों रूपी भूत निकालने की युक्ति सभी को बताओ। तुम बच्चे जानते हो कि यह झाड़ बहुत धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। माया तो चारों तरफ से ऐसा घेराव डालती है जो एकदम गुम हो जाते हैं, बाप का हाथ छोड़ देते हैं। तुम हर एक का कनेक्शन बाप के साथ है, बच्चे तो सब नंबर वार निमित्त हैं। मीठे मीठे बच्चों को बाबा बार बार समझाते हैं
बच्चे अपने को आत्मा समझो। यह शरीर मेरा नहीं, यह भी खत्म होना है। हमको बाबा के पास जाना है। ऐसे ज्ञान की मस्ती में रहने से तुम्हारे में कशिश बहुत आएगी। यह तो जानते हो, यह पुराना चोला छोड़ना है, यहाँ रहना नहीं है। इस शरीर से ममत्व निकल जाए। इस शरीर में सिर्फ सर्विस के लिए ही है, इनमें ममत्व नहीं है। बस घर जाए। यह संगम का समय भी पुरुषार्थ के लिए बहुत आवश्यक है। अभी ही समझते हैं हमने 84 का चक्कर लगाया है। बाप कहते, याद की यात्रा पर रहो। जितना याद की यात्रा पर रहेंगे तो तुम्हारी प्रकृति दासी बनेगी। सन्यासी लोग कभी किसी से कुछ मांगते नहीं है। वह योगी तो है ना, निश्चय है हमको ब्रह्म में लीन होना है। उन्हों का धर्म ही ऐसा है, बहुत पक्के रहते ही, बस हम जाते ही यह शरीर छोड़ जाएंगे। परंतु उन्हों का रास्ता ही रोंग है, जा नहीं सकते, बड़ी मेहनत करते हैं। भक्ति मार्ग में देवताओं से मिलने लिए कई तो अपना जीवगाथ तक कर लेते हैं, आत्मगाथ तो नहीं कहेंगे, वह तो होता नहीं, बाकी जीवगाथ होता है। तो तुम बच्चे सर्विस का बहुत शौक रखो। सर्विस करेंगे तो बाप भी याद रहेगा। सर्विस तो सब जगह है, कहां भी तुम जाकर समझाओ कुछ भी करेंगे नहीं। योग में हो तो जैसे तुम अमर हो, कभी दूसरा कोई भी ख्याल नहीं आएगा। परंतु वह अवस्था मजबूत हो, पहले तो अपने अंदर देखना है, हमारे में कोई खामी तो नहीं है। खामी नहीं होगी तो सर्विस भी अच्छी कर सकेंगे। फादर शोज सन, सन शोज फादर। बाप ने तुमको लायक बनाया और तुम बच्चों को फिर नए नए को बाप का परिचय देना है। बच्चों को बाप ने होशियार कर दिया है। बाबा जानते हैं बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो सर्विस करके आते हैं। चित्रों पर किसको भी समझाना बहुत सहज है, बिगर चित्रों के समझाना कठिन है। रात दिन यही ख्याल चलता रहे कि हम इनका जीवन कैसे बनाएं, इससे हमारा जीवन भी उन्नति को पाएगा। खुशी होती है, हरेक को उमंग रहता है, हम अपने गांव वालों का उद्धार करें, अपने हमजिंस की सेवा करें। बाप भी कहते हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम। एक जगह पर बैठ नहीं जाना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए। सन्यासी लोग भी कोई को गद्दी पर बैठाकर खुद रमण करते हैं ना? ऐसे करते करते वृद्धि को पाया है। बहुत नए नए भी निकल पड़ते हैं, जिनकी कुछ महिमा होती है तो कुछ ताकत उसमें आ जाती है। पुराने पत्ते भी चमक पड़ते हैं। किसी में कोई ऐसी आत्मा प्रवेश करती है जो उनकी भी उन्नति हो जाती है। बाप बैठ शिक्षा देते हैं कि बच्चे तुमको सदैव अपनी उन्नति करनी है। लाडले बच्चे आगे चल, तुम्हारे में योग बल की ताकत आ जाएगी। फिर तुम किसको थोड़ा ही समझाएंगे,
तो झट समझ जाएंगे। यह भी ज्ञान बाण है ना, बाण लगता है तो घायल कर देता है। पहले घायल होते ही फिर बाबा के बनते हैं। तो एकांत में बैठ युक्तियां निकालनी चाहिए। ऐसे नहीं रात को सोया सुबह को उठा, नहीं सवेरे जल्दी उठकर बाबा को बहुत प्रेम से याद करना चाहिए। रात को भी याद में सोना चाहिए। बाबा को याद ही नहीं करेंगे तो बाप फिर प्यार कैसे करेंगे, कशिश ही नहीं होगी। भल बाबा जानते हैं ड्रामा में सब प्रकार के नंबरवार बनने हैं, फिर भी चुपकर बैठ थोड़े ही जाएंगे। पुरुषार्थ तो कराएंगे ना, नहीं तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा। बाबा हमको कितना समझाते थे, बहुत पछताएंगे ना हेक ऐसा किया। माया के वश हो गया, बाबा को तो तरस पड़ता है। नहीं सुधरते हैं तो उनकी क्या गति होगी, रोएंगे पीटेंगे सजाए खाएंगे। इसलिए बाप बच्चों को बार बार शिक्षा देते हैं कि बच्चे तुम्हें परफेक्ट जरूर बनना है, बार बार अपनी चेकिंग करनी है। अच्छा अति मीठे अति लाडले सर्व सिखिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अव्यक्त महावाक्य रिवाइज्ड। जैसे साइंस रिफाइन होती जाती है, ऐसे अपने आप में साइलेंस की शक्ति व अपनी स्थिति रिफाइन होती जा रही है। जो रिफाइन चीज होती है उसमें क्या क्या विशेषता होती है? रिफाइन चीज क्वांटिटी में भले कम होती है लेकिन क्वालिटी पावरफुल होती है। जो चीज रिफाइन नहीं होगी उसकी क्वांटिटी ज्यादा क्वालिटी कम होगी। तो यहां भी जबकि रिफाइन होते जाते हैं तो कम समय कम संकल्प कम एनर्जी में जो कर्तव्य होगा वह 100 गुना होगा और हल्कापन भी रहेगा। हल्केपन की निशानी होगी वह कभी नीचे नहीं आएगा, ना चाहते भी स्वतः ही ऊपर स्थित रहेगा। यह है रिफाइन क्वालिफिकेशन। तो अपने में यह दोनों विशेषताएं अनुभव होती जाती है। भारी होने कारण मेहनत ज्यादा करनी होती है, हल्का होने से मेहनत कम हो जाती है। तो ऐसे नेचुरल परिवर्तन होता जाता है। यह दोनों विशेषताएं सदा अटेंशन में रहे, इसको सामने रखते हुए अपनी रिफाइननेस को चेक कर सकते हो। रिफाइन चीज जास्ती भटकती नहीं, स्पीड पकड़ लेती है। अगर रिफाइन नहीं होगी, खिचड़ा मिक्स होगा तो स्पीड पकड़ नहीं सकेगी, निर्विघ्न चल नहीं सकेंगे। एक तरफ जितना जितना रिफाइन हो रहे हो, दूसरे तरफ उतना ही छोटी छोटी बातें व भूले व संस्कार जो हैं, उनका रिफाइन भी बढ़ता जा रहा है। एक तरफ वह नजारा, दूसरे तरफ रिफाइन होने का नजारा, दोनों का फोर्स है।
अगर रिफाइन नहीं तो फाइन समझो, दोनों साथ साथ नजारे दिखाई दे रहे हैं। वह भी अति में जा रहा है और यह भी अति प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देते जा रहा है। गुप्त अब प्रख्यात हो रहा है, तो जब दोनों बातें प्रत्यक्ष हो उसी अनुसार ही तो नंबर बनेंगे। माला हाथ में नहीं पिरोनी है, चलन से ही स्वयं अपना नंबर ले लेते हैं। अभी नंबर फिक्स होने का समय आ रहा है, इसलिए दोनों बातें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं और दोनों को देखते हुए साक्षी हो हर्षित रहना है। खेल भी वही अच्छा लगता है जिसमें कोई बात की अति होती है, वही सीन अति आकर्षण वाली होती है। अभी भी ऐसी कसम कसा की सीन चल रही है, देखने में मजा आता है ना, व तरस आता है। एक तरफ को देख खुश होते, दूसरे तरफ को देख रहम पड़ता। दोनों का खेल चल रहा है, वतन से तो यह खेल बहुत स्पष्ट दिखाई दिखता है। जितना जो ऊंच होता है उनको स्पष्ट दिखाई देता है। जो नीचे स्टेज पर पाटधारी हैं, उनको कुछ दिखाई दे सकता, कुछ नहीं। लेकिन ऊपर से साक्षी हो देखने से सब स्पष्ट दिखाई देता है। तो आज वतन में वर्तमान खेल की सीन देख रहे थे। अच्छा वरदान, ऊपर से अवतरित हो, अवतार बन, सेवा करने वाले साक्षात्कार मूरत भव। जैसे बाप सेवा के लिए वतन से नीचे आते हैं, ऐसे हम भी सेवा के प्रति वतन से आए हैं। ऐसे अनुभव कर सेवा करो तो सदा न्यारे और बाप समान विश्व के प्यारे बन जाएंगे। ऊपर से नीचे आना माना अवतार बन अवतरित होकर सेवा करना। सभी चाहते हैं कि अवतार आए और हमको साथ ले जाए। तो सच्चे अवतार आप हो जो सबको मुक्ति धाम में साथ ले जाएंगे। जब अवतार समझकर सेवा करेंगे तब साक्षात्कार मूरत बनेंगे और अनेकों की इच्छाएं पूर्ण होंगी। स्लोगन, आपको कोई अच्छा दे या बुरा, आप सबको स्नेह दो, सहयोग दो, रहम करो। आज की पॉइंट, ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए विशेष पुरुषार्थ। सदा परमात्म प्यार में लवलीन रहो तो प्यार स्वरूप मास्टर प्यार के सागर बन जाएंगे। प्यार करना नहीं पड़ेगा, प्यार का स्वरूप बन जाएंगे। सारा दिन प्यार की लहरें स्वतः ही उछलेंगी। जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें व प्रकाश बढ़ता जाएगा उतना ही ज्यादा प्यार की लहरें उछलेंगी। ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोज ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.